हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आरती मिनोत आज आपके लिए बनाऊंगी पनीर बटर मसाला। इसके लिए हम सबसे पहले टोमेटो अनियन की पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, जो कि बटर को जलने से बचाए इसलिए हमने तेल डाला है। अब हम इसमें 1 प्याज कट करके डालेंगे। अब हम इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छिलके निकाल के डालेंगे, 1 इलायची, 2 या 3 लवंग जैसे अपने तीखा के स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब प्याज को हल्का गोल्डन होने तक के लिए पकाएंगे। 10 से 12 काजू डालेंगे, 2 टमाटर रफली कट करके डालेंगे। अब ढक्कन डालकर टमाटर गलने तक के लिए पकाएंगे। अब टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सर में बारीक पीस कर इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस पेस्ट को छान कर रखेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून बटर अच्छे से गरम करेंगे। गरम होने पर हम बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएंगे। इसमें हम बारीक कटा प्याज लेंगे। अब हम इसमें अपनी टोमेटो अनियन की जो पेस्ट हमने छान के रेडी रखी है उस पेस्ट को डालेंगे और इसे थोड़ा चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालकर हिलाएंगे और ढक्कन लगाकर रखेंगे। अब ऑयल छूटने लगा है, अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसमें 15-16 पीस पनीर क्यूब्स डालकर मिक्स करेंगे। अब ढक्कन लगाकर रखेंगे। जब मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे हम ढक्कन को हटा देंगे। अब मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर मिक्स करेंगे। अब हम फ्रेश क्रीम और बारीक कटे हरे धनिया से सजाकर सर्व करेंगे। रेडी है अपने पनीर बटर मसाला। आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।